कुक विद मानसी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज हम बनाएंगे ब्रेड गुलाब जामुन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और बहुत तरह की मिठाइयाँ घर पे बनाई जाती हैं। ये गुलाब जामुन की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इन्हें बनाना भी बहुत ही इजी है और बहुत ही कम मेहनत के साथ आप इनको अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इनको इंस्टेंट गुलाब जामुन भी बोल सकते हैं। तो इस फेस्टिव सीज़न इस गुलाब जामुन की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। तो स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल चीनी ली है। लगभग ये 150 ग्राम चीनी है, जिसमें हम एक बाउल भर के ही पानी डालेंगे, यानी दोनों की क्वांटिटी मैंने बराबर रखी है। थोड़ा सा इसमें हम क्रश करा हुआ हरी इलायची भी डाल देते हैं और एक चम्मच हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। ऐसा करने से शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होती है, यानी जब आप गुलाब जामुन को फ्रिज में रखेंगे तो चीनी सेट नहीं होगी। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और जब तक ये पक रहा है तब तक हम गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हम लेंगे ब्लेंडर का जार और लेंगे हम ब्रेड पीसेस। तो इसका जो ब्राउन पोर्शन है वो मैंने हटा दिया है और यहाँ मैं 12 ब्रेड के पीसेस यूज़ कर रही हूँ। इसको इस तरह से तोड़ के हम ब्लेंडर के जार में डाल देते हैं और अब हम डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। अब आपको लग रहा होगा कि मिल्क पाउडर डालना ज़रूरी है क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप उसे ऐड मत करें, या फिर आप एक चम्मच दूध की मलाई भी इसमें डाल सकते हैं इसको क्रीमीनेस देने के लिए। साथ ही लेंगे 1/4 बाउल मिल्क और इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया है। ये मिक्सचर बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए दूध बहुत ध्यान से डालें। अगर आपको लगता है कि दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिल्क इसमें ऐड करें। कुछ इस तरह का हमें इसका डो बना के तैयार करना है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर आप सारा मिल्क एक साथ ऐड नहीं करना चाहते तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसे ब्रेड के साथ आप मिक्स करें। अपने हाथों पे अब घी लगा लें और इस मिक्सचर को हमें 4 से 5 मिनट के लिए मलना है, ये कुछ इस तरह से, क्योंकि इसको एकदम सॉफ्ट करना है और एकदम स्मूथ करना है हमको। और जैसे ही ये स्मूथ हो जाए एक बार फिर से अपने हाथों पे आप घी लगा लें। तो मैंने यहाँ पे क्लेरिफाइड बटर घी लिया है, ऑयल यूज़ नहीं किया है। और अब हम इनसे बनाएंगे गुलाब जामुन। तो जितने बड़े साइज़ के आपको बनाने हैं उतने बड़े साइज़ के आप गुलाब जामुन बना लें। बस ध्यान ये रखना है कि ये एकदम स्मूथ एकदम चिकने होने चाहिए, इस पर कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ये कुछ इस तरह से आपको स्मूथ करना है। सभी गुलाब जामुन हमने बना लिए हैं। एक बार आप शुगर सिरप चेक कर लेते हैं। ये देखिए, शुगर सिरप तैयार हो गया है। इसकी हमें एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस ये हल्का सा स्टिकी हो जाए यानी चिपचिपा हो जाए उतना ही हमें शुगर सिरप बनाना है। तो 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाया है शुगर सिरप को मीडियम फ्लेम पे। अब हम ऑयल गरम होने के लिए रखेंगे। ध्यान रहे ऑयल एकदम बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। ऑयल अब हल्का गरम हो गया है, तो अब हम इसमें सभी गुलाब जामुन को डीप फ्राई कर लेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ऑयल बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। जब आप ऑयल को हल्का गरम कर लें उसके बाद फ्लेम को एकदम लो पे कर दें और तभी सभी गुलाब जामुन को आपको डीप फ्राई करना है। अगर आप इनको एकदम हाई फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे तो गुलाब जामुन का कलर ऊपर से एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें और इनको हर थोड़ी देर में आप इस तरह से पलटते रहें और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो इन्हें घी में भी डीप फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए, हल्का हल्का कलर इनके ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से हमें इन्हें सब तरफ से सेकना है। और ये सभी गुलाब जामुन हमारे सिक चुके हैं। टोटल इन्हें सिकने में 10 से 15 मिनट तक लग सकते हैं। मैंने इन्हें लो और मीडियम फ्लेम पे ही डीप फ्राई किया है, तो ये अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं हैं और इनके ऊपर बहुत अच्छा कलर भी आ चुका है।
तो इन सभी को अब हम बाहर निकाल लेते हैं और अब हम इनको करेंगे शुगर सिरप में डिप। तो ये जो शुगर सिरप हमने बना के तैयार किया है यानी चाशनी, वो गर्म होनी चाहिए। अगर ये ठंडी हो गई है तो इसे एक बार फिर से आप गर्म कर लें और तभी गुलाब जामुन को आप इसमें डिप करें। और ये सभी गुलाब जामुन मैंने शुगर सिरप में डिप कर दिए हैं, फ्लेम को भी मैंने ऑन कर दिया है। अब हम फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। इससे ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो शुगर सिरप है वो गुलाब जामुन के अंदर तक चला जाएगा और गुलाब जामुन हमारे एकदम रस भरे बनेंगे, अंदर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। 2-3 मिनट पकने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और 2-3 घंटे के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ दें। और अब आप देखिए, मैंने इन्हें 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, गुलाब जामुन साइज़ में और ज़्यादा बढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। इनका कलर देखिए और इनका टेक्सचर देखिए, बहुत ही अच्छा आया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये आप इस तरह से अगर हाथ से प्रेस करते हैं तो ये देखिए गुलाब जामुन एकदम टूट रहा है। तो बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बने हैं फ्रेंड्स। अब हम इनको सर्व कर देते हैं। तो ये लीजिए, हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हैं और लग भी नहीं रहा है कि इन्हें हमने ब्रेड के साथ बनाया है। बहुत ही यमी और सॉफ्ट गुलाब जामुन बने हैं। तो आप इन्हें बनाएं और अपने गेस्ट को बना के खिलाएं तो सभी को बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।